राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सभी मोर्चे पर खुद को दुरुस्त रखना चाहती है। वह कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे जनता के सामने राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नेगेटिव इमेज बने। लेकिन आलाकमान की तमाम कोशिशों के बाद ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। राजस्थान में पिछले दो दिन में मंत्रियों की बयानबाजियां मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। दो दिन पहले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर में जयपुर के विधायकों और मंत्रियों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि विधायकों और मंत्रियों की आपसी खींचतान की वजह से जयपुर का उतना विकास नहीं हो सका जितना स्मार्ट सिटी के तौर पर उदयपुर, कोटा और अजमेर में हुआ है। वहीं धारीवाल के बयान के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए धारीवाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता दिया। मंत्रियों की बयानबाजी के बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नाराजगी जाहिर की है। रंधावा ने गहलोत को एक कड़ा मैसेज देते हुए यह भी कहा कि सरकार के मुखिया होने के नाते मंत्रियों को कंट्रोल में रखने का काम मुख्यमंत्री का है। रंधावा ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में सीधी बात की और मंत्रियों की बयानबाजी पर रोक लगाने की बात कही। साथ ही रंधावा ने यह भी कह दिया कि पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वे भी सभी मंत्रियों और विधायकों की बयानबाजी पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी विधायक या मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। बता दें कि इससे पहले सचिन पायलट भी इन बयानबाजियों को लेकर अशोक गहलोत और उनके नेताओं को मैसेज दे चुके हैं। ऐसे में गहलोत ने अगर अपने मंत्रियों के जबान पर लगाम नहीं लगाई तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।